के द्वारका जिला के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की पुलिस टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लग्जरी गाड़ी चोरी करने के बड़े मामलों का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 चोरी की लग्जरी कार, 300 चाबियां और 3 पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, जीपीएस को जाम करने वाला जैमर, प्रोग्रामिंग मशीन आदि बरामद किया है। बरामद 12 गाड़ियों में से क्रेटा और ब्रिजा जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। ये गाड़ियां दिल्ली, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में छापामार कर पुलिस की टीम ने बरामद करने में कामयाबी पाई है। डीसीपी द्वारका एमएस वर्धन ने बताया है कि एसीपी राम अवतार की देखरेख में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मीणा की टीम ने इस गैंग का खुलासा किया है। गैंग का मास्टरमाइंड सुनील है, जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। ये लगभग 200 गाड़ियों की चोरी करके डिस्पोजल कर चुका है। पहले ये मेरठ में ऑन डिमांड गाड़ी बेचता था। बाद में ईस्ट चंपारण के रिसीवर आमजद रजा खान के संपर्क में आने के बाद इसे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में गाड़ी को बेचना शुरू कर दिया। ये गैंग पूरी तरह से हाईटेक तरीके से काम करता है। पुलिस से बचने के लिए वारदात के दौरान मोबाइल की बजाय वॉकी टॉकी यूज करते हैं। जिन गाड़ियों में प्रोग्रामिंग मशीन के जरिए चाबी इस्तेमाल होती थी, उसके लिए ये अच्छी कीमत की प्रोग्रामिंग मशीन भी साथ में रखा करते थे। जिस गाड़ी में जीपीएस लगा होता था, उसे जाम करने के लिए जैमर का भी इस्तेमाल करते थे। दिल्ली से नवीन कुमार, पंजाब के सिटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।